नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, नीतीश कुमार के एमएलए गोपाल मंडल की वो तस्वीर आपको याद होगी जब वो ट्रेन में चड्डी बनियान में चढ़ गए थे, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। वहीं अस्पताल में बंदूक लेकर के पहुंचे गोपाल मंडल की वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी, और जिस पर सवाल उठा था तो उन्होंने कहा था कि उनके जान का खतरा बना रहता है, जिस वजह से वो हथियार लेकर चलते हैं। जिसके बाद कई बार वो मीडिया से भी बहस करते दिखे, तो वहीं अब उनकी एक और वीडियो जो है वो सामने आ चुकी है, जिस वीडियो में वो हाथ चलाते दिख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुआवजा मांग रहे लोगों के ऊपर गोपाल मंडल जो है हाथ चलाते नजर आ रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो देखा आपने किस तरीके से गोपाल मंडल जो है वो गुस्से में आ जाते हैं और तुरंत रंगदारी पर उतर जाते हैं। बता दें कि जदयू के एमएलए गोपाल मंडल भागलपुर में हुए घटना को लेकर के पहुंचे थे, जहां सड़क पर हुए घटना पर लोगों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था। लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिस दौरान गोपाल मंडल ने इस मुआवजा मांग रहे लोगों पर हाथ चला दी। बता दें कि अब ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है और लगातार अब एक बार फिर से इस पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। आपको पुराना वीडियोस भी याद होगा और एक बार फिर से ऐसा ही एक वीडियो जो है इनका सामने आया है। चले कि जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।